हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय के 7 वचन से लेकर 8 वचन तक हम पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए। और जब उसने चौथी मोहर खोली, किसने खोली? यीशु मसीह ने खोली। तो मैंने यूहन्ना ने, क्योंकि सारी प्रकाशित वाक्य यूहन्ना ने लिखी है दर्शन के द्वारा। तो मैंने चौथे प्राणी को यह शब्द कहते सुना कि आ, और मैंने दृष्टि की, मैंने कौन यूहन्ना ने, और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी पर एक चौथाई पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। पीले घोड़े के सवार का नाम मृत्यु है, जिधर भी वह जाता है उसके पीछे पाताल भी जाता है। उसको यह अधिकार दिया जाएगा कि पृथ्वी के लोगों को तलवार से मार डाले, और पृथ्वी के लोग भूख प्यास के मारे और परमेश्वर ऐसी बीमारियां भेज देगा जिसका कोई इलाज नहीं होगा, और मसीह विरोधी के दिन में पृथ्वी के लोग वन पशुओं के द्वारा लोग मारे जाएंगे। पृथ्वी के वन पशु लोगों को फाड़ना नोचना शुरू कर देंगे, जिंदा ही फाड़ना नोचना शुरू कर देंगे। इसलिए भी समय है मेरे भाइयों, अपना मन फिरा लो और लौट आओ यीशु के पास। या मसीह विरोधी के हाथ में पड़ गए तो बहुत बुरा हाल होगा। कासितवा के 6 अध्याय के 12 वचन से लेकर 17 वचन तक हम पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए। और जब उसने छठवीं मोहर खोली, यीशु मसीह ने खोली, तो मैंने देखा, यानी यूहन्ना ने देखा कि एक बड़ा भुंडोल हुआ और सूर्य कम्बल की नाई काला हो गया और पूरा चंद्रमा लहू सा हो गया। तब परमेश्वर छठवीं मोहर खोलेगा तो एक बड़ा भुंडोल होगा और सूर्य पूरा काला हो जाएगा और चंद्रमा पूरा लाल हो जाएगा और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़ेंगे जैसा बड़ी आंधी किससे हिलकर अंजीर के पेड़ से कच्चे फल झड़ते हैं, और आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और हर एक टापू अपने अपने स्थान से टल गया। जब परमेश्वर छठवीं मोहर खोलेगा तब यह सब होगा, और पृथ्वी के राजा और प्रधान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे। जब परमेश्वर छठवीं मोहर खोलेगा तब पृथ्वी के लोग, बड़े बड़े लोग, धनवान लोग, सामर्थी लोग, ये अपने आप को बचाने के लिए चट्टानों की खोहों में और दरारों में जाकर छिपेंगे। मसीह विरोधी के दिन में इतना हाहाकार मचा होगा, पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगेंगे, यानी रेप्चर हो जाने के बाद जो लोग यहाँ बच जाएंगे वही लोग कहेंगे कि हम पर गिरो, और पृथ्वी के लोग उस समय कहेंगे और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है उसके प्रकोप से हमें बचा लो। इतना भयानक खौफनाक मंजर होगा उस, और उस समय लोग मौत मांगेंगे और मौत नहीं आएगी, बहुत तड़पाया जाएगा और मौत मांगोगे मौत भी नहीं आएगी, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन नज़दीक आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? पृथ्वी के लोगों को, रहने वालों के लोगों का भयानक दिन आ पहुंचा, अब कौन ठहर सकता है? इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, अभी समय है, आंसू बहा लो, गिड़गिड़ा लो, पश्चाताप कर लो, अभी समय है, वरना जब परमेश्वर कैप्चर में आएगा तो उसी मसीह विश्वासी को लेकर जाएगा जो पवित्र होगा, जो इस संसार से निष्कलंक होगा, वही स्वर्ग में उठाया जाएगा। बाकी सब यही रहेंगे जिंदा जलने के लिए और खून पीने के लिए, क्योंकि परमेश्वर के पास हर एक मनुष्य का लिखा है कि हम मनुष्यों से छिपकर तो पाप कर सकते हो भैया, मगर परमेश्वर से छिपकर पाप नहीं कर सकते हो। ऐसा कोई स्थान कोई नहीं, परमेश्वर ने नहीं ठहराया है कि कोई मनुष्य परमेश्वर से नजरों से छिपकर पाप करे। भैया अभी समय है, छोड़ दो के, मैं आपको बचाना चाहता हूँ भाई, वहाँ एक दो दिन के लिए नहीं डाला जाएगा बल्कि हमेशा हमेशा के लिए और युगानुयुग के लिए डाल दिया जाएगा, और ऊपर से नरक का ढक्कन बंद कर दिया जाएगा। जरा सोचो मेरे भाइयों, अगर आपका उद्धार नहीं हुआ होगा, अगर आप इसी तरह अपना जीवन बिताते जा रहे हो, अगर आपका नाम उस जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ ना पाया जाएगा, तो उसको हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर वही शरीर पहना के परमेश्वर भैया उसको नरक में फेंक देगा। समझा कि नहीं समझा? अभी समय है, लौट आओ यीशु के पास। परमेश्वर किसी को जबरदस्ती नरक में डालना नहीं चाहता है मेरे भाई,
परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर किसी को नाश करना नहीं चाहता है। परमेश्वर यह चाहता है कि कोई भी मेरे बेटे बेटियां नाश ना हो, कोई भी मेरे बेटे बेटियां नरक ना जाए। मगर आज मनुष्य सच्चाई को अनदेखा कर रहे हैं। थोड़ा सा मजा, थोड़ा सा शारीरिक मजा लेने के चक्कर में पड़े हुए हैं। अभी समय है, लौट आओ मेरे भाई और बहनों, पश्चाताप कर लो, आंसू बहा लो, गिर डालो, परमेश्वर आपको माफ कर देगा। चाहे जितने भी गंदे पाप हो, चाहे जैसा भी पाप हो, परमेश्वर कहता है तू मेरे सामने मान, पश्चाताप कर और उसे छोड़ और मेरी आज्ञा को मान। चाहे जितने भी गंदे पाप हो, मैं उनको धोकर हिम की नाई स्वच्छ कर दूंगा, चमका दूंगा, यद बस तुम मेरी आज्ञा होकर मेरी मान दो तो सही। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा मेरे भाइयों और बहनों, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा आपके जीवन में। अभी समय है, ओके भैया, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए उसने लहू बहाया है, कोड़े खाए हैं, मार खाई है, बेइज्जती सही है। मेरे प्रियो छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर हम लोगों से इतना प्रेम किया कि उसने सूली पर कुर्बान हो गया, अपना रक्त बहाया, खून बहा दिया परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए। भाई कब सुधरोगे? भाई छोड़ दो, अभी समय है, लौटो ईसा के पास, परमेश्वर आपको माफ़ कर देगा। प्लीज़ इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों के पास इसके इसे दबा के शेयर करें, ओके। तब तक के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की।